आपके तो पिछले एमपी चुनाव में जुलाना से 13,000 की हार हुई थी। ये जुलाना है, जुलाना अब की बार विनेश फोगाट तीसरी बार आएगी। विनेश फोगाट तीसरे नंबर पे। जुलाना में जोर नहीं चलेगा कांग्रेस का? नहीं चलेगा। भूपेंद्र हुड्डा जब उठा तो भूपेंद्र हुड्डा गाड़ा जुलाने ने, ठीक है। यहाँ सेलिब्रिटी को गाड़ते हैं, सेलिब्रिटी को गाड़ते हैं और अब की बार भी गाड़ेंगे बिल्कुल। और ये है ना, कह रहे हैं कि ये देश की बेटी थी, जुलाना की बहू थी, इब तो या कांग्रेस की बेटी कांग्रेसिया की बहू होगी बस। एक मिनट, मुंह दिखाई पता हम क्या देंगे? गोडे रगड़ दियो, जीतन नहीं जा। डॉक्टर सुरेंद्र राठौर जीतेगा, गोडे रगड़वाएंगे। अरे भारत आ गए, अराड़ बहू होगी, गजब हो गया। यू मारा भाई रहा भाई, सदा ड्या नहीं। आपकी साली का छोरा है। वोट नहीं जा रहे। 50 किलो साली का छोरा का बहू है। हाँ, वोट नहीं जाएंगे, कटी नहीं जा। अरे बहू है। हाँ, कौन जा? बस इतनी नाराजगी क्यों है? गोटे कौन सा होगा बहू का? अक दो है, एक है तो ये विनेश फोगाट बरोबर में राखी, दो गे गोटे बोल को सही बहू बना होगा। देश कहाँ से आई है अब एट ए टाइम? सर बहू है, बहू अब हो गई। खेल तो उसने पहले भी खेले हैं, पहले भी मेडल एशियन में या इंडिया में मेडल मिले तब बहू क्यों नहीं आई? हाँ, अब कैसे आ गई? और अब की बार जुलाना विधानसभा, बहू कह रही कि अगर हम यहाँ जीत जाएंगे, कांग्रेस कह रही इनको खेल मंत्री। अरे बहू के लिए जीतना जरूरी नहीं है, बहू शादी होने के बाद आनी चाहिए। कौन बख्ता खेड़ा का कौन आदमी बारात में गया था भाई? कहाँ इसका रिश्ता? हाँ, कहाँ था? ऐसे नहीं होता है कि आप एट ए टाइम आओ और आके कहो मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ। वो भी कह देगा बीजेपी वाला भी, उसने तो बेचारे ने हार ही मान ली है। और ये है, ये तीसरे नंबर पे भी नहीं है कांग्रेस, तीसरे नंबर? हाँ, तीसरे पे भी नहीं। और पूरे हरियाणा में कांग्रेस की 30 से ऊपर सीट नहीं आएंगी। अरे सर आप इतना दावा कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं परिवार दावा, हम घूम रहे हैं ना, पूरे हरियाणा में घूमते हैं हम, पूरे हरियाणा में। परिवर्तन भाजपा को लेके है, ये नहीं कि भाजपा की जगह कांग्रेस आनी है। यहाँ किसी का बहुमत नहीं आएगा। 10-12 तो निर्दलीय आने हैं, 10-12 तो निर्दलीय आऊंगे जी। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। निर्दलीय का इतना जोर है? हाँ, जोर क्यों नहीं है? लेकिन सर एक चीज समझाइए, कह रहे हैं कि हरियाणा में खास तौर से जुलाना को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन ये बहू के आने से ही तो जलवा हो गया पूरे विश्व में। ला ला ला, बहू के आने से ठीक है, बहू ने कौन जाना है? वो बहू ने जाना कौन है रे? अरे कह रहे पूरा विश्व जानता है। ना ना ना, कोई नहीं जानता। सुनो, ये बहू कहाँ है? ये तो बलाली की लड़की है, वहाँ के नॉमिनेशन भी नहीं करे बहू के नाम से देने। नॉमिनेशन भी लड़की के नाम से करा क्या? बलाली की लड़की के नाम से तो अब हुई है, फोगाट के ही नाम से चर्चित है। क्यों भाई, बहू भी बता रहे हो तो राठी कहाँ गए? अगर इसको अपने बहू होने का इतना ही मान सम्मान था, शादी के बाद राठी लगाती। ये इतनी बड़ी चैंपियन रही है तो राठियों का भी उत्साह होता। अब ये राठी हो गई है और नॉमिनेशन भरती है विनेश फोगाट, कहाँ की बहू हुई भाई? पोस्टर में तो राठी है सर। अरे पोस्टर को कौन जानता, जब आदमी मैं खुद खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं लाठर हूँ तो लाठर ही रहा ना पोस्टर में। आप कुछ भी छपवाओ, मान लो मेरी मिसिज खुद कहे कि मैं लाठर हूँ वो एक बात है, अगर मेरी मिसिज कहे कि नहीं मैं तो गणगस हूँ ये कोई बात नहीं हुई। अरे सर सम्मान के लिए, मुंह दिखाई के लिए वोट नहीं देंगे क्या उनको? अरे मुंह दिखाई तो शादी पे होती है ना, शादी पता ही नहीं कब हुई थी। मुंह दिखाई में हार मिलेगी, हार जी 100% जी। ये जुलाना तय कर चुका है, ये तीसरा चौथा जो स्थान के लिए संघर्ष कर रही है, और ये जुलाना का ओलंपिक है, इसमें हार के जाएगी 100%। जो जुलाना की जनता डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के साथ खड़ी है, ये जुलाना का कोई नूर आप कह रहे हैं ना? विनेश फोगाट, विनेश फोगाट नहीं, हम तो उसको विदेश फोगाट बोलते हैं। विदेश फोगाट, विदेश बाहरी, मतलब बाहर से आई है।
जुलाना में कोई जानने पहचानने वाला नहीं है, सिर्फ दादरी से, रोहतक से और बाहर के लोग आकर के जो है वो अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। जुलाना का लोकल ग्राउंड स्तर पे कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं है। 86 कैंडिडेट थे जुलाना का, जो इतिहास में बताता हूँ, सबसे ज्यादा 86 कैंडिडेट जो हरियाणा में जुलाना की सीट के लिए दावेदार थे, 86 के 86 का कांग्रेस ने कत्ल कराया है, कत्ल कर दिया। और क्या उनके अरमान जो 20-20 हजार रुपए जमा करा के और 86 के 86 के टिकट काट दी, पता है क्या हुआ? इस तरह मुंह कर रहे हैं जो कर वो ब्याह में जो है छोरी का नेग नहीं रख लिया करें, यू हाल हो रहा है कांग्रेसियों के साथ, ना इधर के छोड़े ना उधर के, सबका सपोर्ट डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के साथ है। अरे सर आप चीज एक मिनट मुंह दिखाई, पता हम क्या देंगे, गोडे रगड़ दियो जीतन नहीं जा, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जीतेगा, गोड्डे रगड़वाएंगे। अरे बाहर तो आके अराड़ बहु होगी, गजब हो गया, यू मारा भाई रहा भाई, सदा यही रहेगा और यही रहा है और यहाँ सेवा कर रहा है। कोठी भी बन गई किन की, कहाँ बन गई, कौन से गांव में बन गई कोठी, जुलाना में, गांव में तो अपने मकान नहीं रहा और जुलाना में कोठी बन गई, गजब हो गया भाई। हम बख्ताखेड़ा भी गए थे, लोग देखो कितने परेशान, कोई सुविधा दी हो इन्होंने, चैंपियन रही है, एशियन की भी रही होगी, गोल्ड मेडल का दावेदार थी, और वो भी कब थी, जैसे यहाँ 86 की गर्दन नोच के आई है ना, वहाँ 50 किलो वेट की हमारे देश की बहुत लड़कियाँ थी, ये 53 में लड़ती थी, अब एकदम 50, तो वो 50 वाली कहाँ जाए भाई, उनका तो रख दिया ना इसने वहीं पे लेवल जहाँ पे कांग्रेस के हक मार के, सर मोदी ने हार नहीं मारने देंगे, वहाँ भी नहीं मार पाई, 100 ग्राम कैसे बट गया, और यहाँ भी नहीं मार, मोदी ने हरा दिया। अरे गोड्डे रगड़वाएंगे, डाला है इसका, अकमार के आई है, अकमार के आई है, वहाँ भी 50 किलो की बहू है, अड्डानी आपकी साली का छोरा है, हाँ वोट नहीं जा, वोट नहीं जा रहे, 50 किलो साली का छोरा का बहू है, हाँ वोट नहीं जाएंगे, कटी नहीं जा, अरे बहू है, हाँ कौन जा, बस इतनी नाराजगी क्यों है, है? गोटे कौन सा होगा बहू का, अक दो दो है, एक है तो ये विनेश फोगाट बरोबर में राखी, दो हो गए गोटे, बोल को सही बहू बना होगा। सुने भी गा उड़ा ही बात सुन ले, उससे बड़ा क्षेत्रवादी कोई भी नहीं, पोली गांव लागे हमारा लाखन बाजरा में 60 लाख का किला, मारा 25 लाख का किला, के बात है, किसान मजदूर सारे उन्हें तो बराबर होने चाहिए, राजा था इतना भेदभाव, नौकरिया में नूबेरा लाग जाता ना, जींद जिला के यारे बार कर दिया भाई, बीसी का है कदी भी नहीं, असल में किसी जात के काम नहीं करे उसने, किसी जाट के भी नहीं करे, जो जाट ही देसी बतावे ये पूछ ले साहब के, तो पिछले एमपी चुनाव में जुलाना से 13,000 की हार हुई थी, ये जुलाना है, जुलाना अब की बार विनेश फोगाट तीसरी बार आएगी, विनेश फोगाट तीसरे नंबर पे, जुलाना में जोर नहीं चलेगा कांग्रेस का, नहीं चलेगा, भूपेंद्र हुड्डा जब उठा तो भूपेंद्र हुड्डा गाड़ा जुलाने ने, ठीक है, यहाँ सेलिब्रिटी को गाड़ते हैं, सेलिब्रिटी को गाड़ते हैं और अब की बार भी गाड़ेंगे बिल्कुल, और ये है ना कह रहे हैं कि ये देश की बेटी थी, जुलाना की बहू थी, अब तो यार कांग्रेस की बेटी कांग्रेस की बहू होगी बस, हाँ ये जुलाना की नहीं रही, अब बहू नहीं मानेंगे, नहीं अब इसने अपनी इज्जत खुद खराब कर ली, ये किसके खिलाफ षड्यंत्र है, ठीक है, कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के ये ओलंपिक आगे खेलती, बेचारी मेडल लेके आती, देश का नाम रोशन करती, इसको कुछ होता, षड्यंत्र के तहत जो इसको जुलाना में उलझा के रख दिया, और रख दिया किसके सामने, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के सामने, जिसका आधार जो है बच्चा बच्चे की जबान पर जिसका नाम है, उसके सामने जो इसको चुनाव लड़वा के कांग्रेस ने ये विपत्ति मोल ले ली है पूरा जुलाना, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के पूरा जलवा है, माहौल है, और जब हुड्डा साहब आएंगे यहाँ रैली करेंगे तब आपको नहीं लग रहा है कुछ मामला का, हुड्डा साहब ही नहीं जीते यहाँ से, जब उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा दूसरे को कैसे जिताएंगे, जिसके पास कुछ नहीं हो नंग दड़ंग हो दूसरे को क्या देगा, हाँ नंगी बोलते हरियाणवी भाषा में, जिसके पल्ले कुछ नहीं हो दूसरे को क्या देगा, तो इतना हुड्डा में दम था तो पहले एमपी के चुनाव में नहीं जीत जाता यहाँ से, ये जुलाना है, ठीक है, इसको ऐसे बोलते, ये जुलाना है प्रधान है और ये अपने को आगे बढ़ाएगा, ये अब की बार संकल्प लिया है, संकल्प ले लिया, करो संकल्प ले लिया है, संकल्प ज्यादा बहुत पक्का, और एक और सुनो क्या कहते हो, हुड्डा ये करेगा बाईपास निकलिया रोहतक और जींद की सीमा एक ऐसे होती है, एक फुट का भी फैसला नहीं,
उनको तो 45 लाख रुपए किले के, और इधर जींद वालों को 21 लाख। क्यों फिर हुड्डा यहाँ क्या करने आएगा भाई? उधर से ही काम चला ले अपना। सीएम कैसे जीत सकता है एक पूरे जिले को बैकवर्ड बढ़ा के? जलवा है एकदम। अरे जलवा रोहतक में उसका फादर था रणबीर सिंह, यूनिवर्सिटी बनाई जींद में रणबीर सिंह। क्यों जींद का कोई आदमी मान नहीं है क्या? उसके नाम से क्यों नहीं बनाई? सामाजिक काम ये होते हैं कि पूरे समाज को इकट्ठा, जुलाना के लोग इकट्ठे किए होते हैं, उन्हें पूछ के टिकट दिया। अलका हमारा टिकट दिल्ली से दे रहा है, कोई कहीं से दे रहा है, ऐसे बात नहीं बनती। आजकल वो लोग नहीं रहे कि एक बार कह दिया चलो और ट्रक भर के दिल्ली जा खड़े हुए। नहीं जी, अब की बार दोनों के बीजेपी और घुटने घिसा के मर जाएंगे, वोट नहीं होंगे। कि जुलाना की बहू है, बहू का क्या काम हो? माइक कहते हैं ससुराल में कुछ न कुछ लेके जाना, या पहली बहू इसी देखी है जो आ रहे तो माला साड़ा कट्ठी करके नरदादरी ले जाए? या पहली बहू इसी देखी है? ठीक है, दोनों पार्टियां डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, भगदड़ मच रही है। 30 तारीख के पास बाद जो मैदान छोड़ जाएंगे। सीएम बदल लिया, सीएम बदल लिया, नायब सैनी बना दिया, ठीक है, मनोहर लाल जी हटा दिए, दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार बदल दिए। एक बात बताओ, कच्चा बदलन तो 10 रू क्या करेंगे? हार दिखाई दे रही है, हार दिखाई दे रही है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको विश्वास ही नहीं है। जब जुलाना के ऊपर विश्वास नहीं आके किसी आदमी को टिकट नहीं दिया तो जुलाना जो है बेउद्दा थोड़ा है, मूर्ख नहीं है। जुलाना अपने के साथ खड़ा और अपने के साथ ही रहेगा। जुलाना ही तो बुलाया है, कह रहे मान सम्मान बचाने के लिए। पहलवान जब आएगी तो नए नए पहलवान निकालेगी। लेने गया था भाई, कौन बुला लाया? बजरंग पुनिया बुला लाया, वो जुलाना का है। वो कान टूटे हुए आते हैं, वो जुलाना के हैं। कोई एक बता दो उसके साथ जुलाना का आया हो? कोई नहीं। ये एक हुआ है क्योंकि वो ओलंपिक में बाहर कर दी गई, पहचान हुई, उठा के यहाँ रख दिया। जिताओ भाई, क्यों भाई? यहाँ वाले कहाँ जाएंगे? दोनों एक तरफा काट आएंगे सुरेंद्र ने। अरे मानसा की भीड़ देख ले, मानस देख ले, इस बार का चेहरा नहीं है, हीरा वाड़क है। अरे काट गए।